दोस्तों, आज के वीडियो में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती की, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दिव्या भारती का 1974 को मुंबई में हुआ। इनके पिता ओम प्रकाश भारती, माता मीता भारती हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या भारती की सबसे पहली मूवी 24 जनवरी 1992 में आई विश्वात्मा। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी लीड रोल में देखने को मिले। दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। इस मूवी ने दोस्तों 5 करोड़ 25 लाख की कमाई की। अगली मूवी आई 31 जनवरी 1992 में दिल का क्या कसूर। इस मूवी दिव्या भारती के साथ पृथ्वी की सनम, सुरेश ओबराय लीड रोल में देखने को मिले। दोस्तों, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। इस मूवी ने दोस्तों कमाई की 95 लाख रुपए की। अगली मूवी आई थी 1 अप्रैल 1992 में शोला और शबनम। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ गोविंदा, अनुपम खेर और गुलशन ग्रोवर लीड रोल में देखने को मिले। दोस्तों, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। इस मूवी ने दोस्तों 6 करोड़ रुपए कमाई की। दोस्तों, अगली मूवी आई 26 जून 1992 में दीवाना। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर और शाहरुख खान लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस मूवी ने दोस्तों कमाई की 7 करोड़ 75 लाख रुपए की। अगली मूवी आई 22 मई 1992 में जान से प्यारा। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ गोविंदा, अरुणा ईरानी और रजा मुराद लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इस मूवी ने कमाई की 2 करोड़ 15 लाख रुपए की। अगली मूवी आई 11 सितंबर 1992 में बलवान। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ सुनील शेट्टी, डैनी जनजम्पा लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई। इस मूवी ने 2 करोड़ 50 लाख की कमाई की। दोस्तों, अगली मूवी आई 2 अक्टूबर 1992 में दुश्मन जमाना। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ अरमान कोहली, परेश रावल और किरण कुमार लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इस मूवी ने कमाई की 2 करोड़ 10 लाख रुपए की। दोस्तों, अगली मूवी आई 20 नवंबर 1992 को गीत। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ अविनाश, अनिल धवन और शक्ति कपूर लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर, यह मूवी बदकिस्मती से फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों, अगली मूवी आई दिव्या भारती की 25 दिसंबर 1992 में दिल आशना है। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ शाहरुख खान लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को हेमा मालिनी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन बदकिस्मती से बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी फ्लॉप रही थी। दोस्तों, अगली मूवी आई 1 जनवरी 1993 में दिल ही तो है। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ जैकी श्रॉफ, शिल्पा शिरोडकर, गुलशन ग्रोवर और रजा मुराद लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस मूवी ने दोस्तों 2 करोड़ की कमाई की। दोस्तों, अगली मूवी आई 26 मार्च 1993 में छत्री। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ सनी देओल और संजय दत्त, रवीना टंडन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना लीड रोल में मिले देखने को। ये मूवी हिट रही। इस मूवी ने 5 करोड़ 2 लाख की कमाई की। दोस्तों, अगली मूवी आई 9 जुलाई 1993 में रंग। इस मूवी में दिव्या भारती के साथ कमल साधना, जितेंद्र, अमृता सिंह और आयशा जुल्का लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। इस मूवी ने दोस्तों 3 करोड़ 32 लाख की कमाई की। दोस्तों, अगली मूवी आई 17 दिसंबर 1993 में शतरंज। ये लास्ट मूवी थी। इसमें दिव्या भारती के साथ जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, कादर खान, शक्ति कपूर लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी हिट साबित हुई। इस मूवी ने दोस्तों कमाई की 3 करोड़ 80 लाख रुपए की। दिव्या भारती का फिल्मी सफर मात्र 13 फिल्मों का था। दोस्तों, बदकिस्मती से दिव्या भारती स्वर्गवास 5 अप्रैल 1993 को वर्सोवा मुंबई में हो गया, लेकिन ये अपनी फिल्मों से अमर रहेंगी। दोस्तों,